तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सम्राट और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्रिएटर। दोस्तों, आज की इस व्लॉग में हम जाने वाले हैं एक, क्या नाम है भाई बता तो, कोड़ पहाड़। तो कोड़ पहाड़ नहीं पता कौन सा जगह है। तो जैसे कि आपने पहला व्लॉग देखा वो रामहरिपुर में एक रामकृष्ण मिशन था जहाँ हम गए थे। तो चलिए चलते हैं एक और न्यू जगह और एक न्यू व्लॉग में आप देखिए कि ये जगह कैसा है। चलिए गाइस चलते हैं और देख सकते हैं ये रहा वो बंदा जो हमें लेके जाएगा और उसका एक दोस्त है। हाई कर दे, हाई। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं कि आगे जगह कैसा है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बाइक है हम पार्किंग कर चुके हैं इधर और गाइस एग्जैक्टली पहुंच चुके हैं जो जगह हम आने वाले थे। तो चलिए आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं कि आखिर बैकग्राउंड कैसा है और किस तरह हमें अंदर जाना है। तो चलिए गाइस देखते हैं अंदर। और भाई अंदर जाने से पहले कुछ थोड़ा मोड़ा नाश्ता टाइप का कुछ लेते हैं हम लोग और देख सकते हैं यहाँ पर दुकान से ले रहे हैं गाइस। जो हमारे भैया जी इधर दे रहे हैं हमें सामान, पैसा दे, ठीक है हो गया, ठीक है भाई आते हैं। तो गाइज यही गेट है जिसके अंदर से हमें जाना पड़ेगा। चलिए गाइज चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर नज़ारा कैसा है। तो गाइज अंदर का जो नज़ारा है कुछ इस तरह का है और गाइज देख सकते हैं अभी जो गाइज जो पहाड़ हमें बोल रहे हैं तो गाइज आगे में है और ये रहा गेट। तो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, चारों तरफ आपको पेड़ ही दिखेगा और गाइज पब्लिक देख सकते हैं, पब्लिक भी घूम के ही आ रहा है इधर से और ये दोनों आगे आगे चल रहा है। तो गाइस अंदर आने के बाद हमें एक चीज़ देखने को मिला गाइस जो कि एक मंदिर है। तो ये देख सकते हैं कौन सा मंदिर है, ये पता नहीं है, मतलब पहले तो लोग आए नहीं क्या? ना तब नहीं था, तब नहीं था, मतलब कि ये कोई नया मंदिर बना हुआ है। तो गाइस मंदिर भी अभी फिलहाल मंदिर बंद है। तो चलिए ऊपर में कोई मंदिर है, तो ऊपर में कोई मंदिर है ना, चलिए गाइस ऊपर मंदिर में जाके देखते हैं क्या क्या नज़ारा कैसा है। तो फ्रेंड्स आखिर जो पहाड़ है मतलब कोड़ोर पहाड़, कोड़ो हिल, आप अगर अब सर्च करेंगे कोड़ो हिल के नाम से तो वेस्ट बंगाल में आपको ये मिल जाएगा। एक्चुअली ये पुरुली कौन जगह पड़ता है, ये बांकुड़ा पड़ता है, बांकुड़ा में। तो जो कोड़ो पहाड़ हम लोग आए हैं घूमने और या इस पहाड़ मतलब हिल जो हम लोग ऊपर जाने वाले हैं तो वो एग्जैक्टली ये रहा जगह, ये देख सकते हैं ये रास्ता है और यहाँ से आपको गाइस सीढ़ी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा ऊपर। चलिए गाइस चलते हैं ऊपर और ऊपर जाने के बाद देखते हैं कि नज़ारा कैसा है। तो ये हम लोग एंटर कर चुके हैं, चलिए गाइस बैक कैमरा सबको दिखाते हैं क्या कि नज़ारा कैसा है।
एग्जैक्टली आप देख सकते हैं वहाँ से वहाँ से जो हमारा रास्ता था वो नीचे से आने का ये रहा रास्ता, और गाइज ये रहा ऊपर जाने का। तो गाइज आखिरकार हम लोग पहुँच चुके हैं। गाइज ऊपर पहुँचने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज ये रहा वो मंदिर जो कि आपको ऊपर में देखने को मिलता है। और गाइज ऊपर में ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ मंदिर ही है। तो मंदिर यहाँ पर भी है और आगे में भी आपको मंदिर देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर जूता खोलना पड़ेगा। जूता खोल। तो गाइस जो शूज़ पहन के आए हैं उससे पहले यहाँ पर उतारना पड़ेगा एज अ रूल। तो जूता उतार। तो गाइस ऊपर से अगर आप नज़ारा देखेंगे तो काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइस एक्चुअल में ये काफ़ी ऊंचाई में है, एक हील है पहाड़ टाइप का। और गाइस ये जो आपको मंदिर सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है ये एक्चुअल में पार्वती माँ का मंदिर है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको मंदिर देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस आपका नज़ारा पहले कराते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। चलिए गाइस इससे पीछे चलते हैं। पीछे देखने के बाद आप देखते हैं कि पीछे में कौन सा मंदिर है। और ये गाइस आप नज़ारा देखिए यहाँ से। चलिए गाइस चलते हैं, चलो। तो गाइस इधर से नज़ारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़ारा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ का देखने को मिल रहा है। गाइस देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो रोशनी है वो घट गया, मतलब रोशनी है नहीं सूरज जो है सूरज वो डूब गया। ठीक है, सूरज डूबने से पहले अगर हम आते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, क्लियरली सब कुछ देखने को मिलता है। फिर भी सही है। तो फ्रेंड्स ये है पीछे का नज़ारा। तो फ्रेंड्स पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है और कुछ है नहीं। ठीक है, तो ऊपर से कुछ आपको जंगल वगैरह देखने को मिलता है साइड में। चलो तो फ्रेंड्स ऊपर आके हमें जो मेन देखने को मिला वो देखने को मिला हमें ये मंदिर जो हमारी पार्वती माँ का मंदिर है। देख सकते हैं ये मंदिर हमें यहाँ आके देखने को मिला। और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग यहाँ पर कुछ है नहीं, सिर्फ मंदिर वगैरह है। तो सही है गाइस, अच्छा है, काफ़ी अच्छी जगह लेके आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो घूमना फिरना था वो हो गया है कम्प्लीट। अब गाइस हम जाने वाले एक डैम में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या कि डैम कैसा है।